राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी जालौर तत्वाधान नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जुल्फिकार गए अली भट्टो के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल एलपीजी के बढ़ते दामों के बढ़ोतरी को लेकर वन विभाग एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई, प्रभारी भुआराम सिरवी, पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी, रामलाल मेघवाल, पूर्व विधायक जालौर मंजू मेघवाल, कांग्रेस प्रत्याशी जालौर, कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा आहोर सवाराम पटेल, एडवोकेट ओम सिंह राठौड़, पीसीसी सदस्य नैन सिंह राजपुरोहित, पूर्व जिलाध्यक्ष के अध्यक्षता में ग्रेनाइट फेस टू से रोडवेज बस स्टैंड होते हुए पैदल मार्च, साइकिल रैली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी समेत केंद्र सरकार की नियुक्तियों का विरोध जताते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर जालौर मार्फत महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। दल सभी अग्रिम संगठनों सहित आज राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है। महंगाई की मार बहुत ज़्यादा हो गई है। मोदी सरकार ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन 100 दिन तो क्या, आज 7 साल हो गए हैं। 7 साल के अंदर जो वादा करके मोदी सरकार सत्ता में आई थी, वो दिन दुनी रात चौगनी महंगाई को कम करने के बजाय दिन दुनी रात चौगनी महंगाई को बढ़ाई है। आज हमने पेट्रोल, गैस, डीजल, खाद्य पदार्थ, गैस सिलेंडर सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी महंगाई को लेकर आज कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। सरकार को कम करना पड़ा, लेकिन ये सरकार ये कह रही है सिर्फ 40 रात, पर ये सरकार ये कह रही है उस समय जनता को राहत देने के लिए जो कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने जो बॉन्ड जारी किए थे उसका खामियाजा अब हम भुगतते हैं। ये खाली गलत बात, अफवाह फैलाने की बात है, भ्रमित करने की बात, कोई बॉन्ड जारी नहीं किए, केवल मात्र गुमराह करने की बात बीजेपी के लोग कर रहे हैं।